पाठशाला का उल्लेख हमारे शास्त्रों में है तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने आत्मा को पढ़ाई के टेंशन से मुक्त करें। आज इस वीडियो में हम कंप्लीट फ्रिक्शन के ऊपर पूरा एनालिसिस कर लेंगे और इसके बाद आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा फ्रिक्शन के ऊपर, ठीक है। तो फ्रिक्शन के ऊपर पहले शुरू करते हैं कि फ्रिक्शन होता क्या है। तो एक जान लो, फ्रिक्शन हमेशा तभी एप्लीकेबल होता है जब उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, समझ रहे हो ना। एक्सटर्नल मतलब अब बाहर से फोर्स लगाओगे तभी फ्रिक्शन एग्जिस्ट में आएगा, नहीं तो वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होता है, समझ रहे हो ना। फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता है, फ्रिक्शन हो सकता है बट उसका फोर्स का मतलब वो फोर्स नेचर में नहीं आता है। अब पहला बात, एक रिलेटिव मोशन होता है। अब बोलोगे भैया रिलेटिव मोशन क्या है, इसका मतलब होता है अगर आप इसको इस तरफ फोर्स लगाओगे तो आपका जो फ्रिक्शन होता है ना, सपोज सरफेस के ऊपर रखा है तो आपका फ्रिक्शन कहाँ रहेगा, आपका फ्रिक्शन रहेगा इस तरफ, समझ रहे हो ना। स्मॉल एफ से लिखते तो आपका फ्रिक्शन रहेगा इसके ऑपोजिट में, मतलब आप इसको धकेलना यहाँ चाहते हो, आपको फ्रिक्शन लगेगा कहाँ, उसके ऑपोजिट में। तो इसलिए बोलते हैं रिलेटिव मोशन है, आप एक तरफ लगाओगे तो लगेगा और एक तरफ। क्या बात है, क्लियर है यहाँ तक, डन। तो इसके आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो इसमें ध्यान देना, तीन तरह के फ्रिक्शन होते हैं, तीन तरह के फ्रिक्शन होते हैं, मतलब देखो है वो एक ही चीज़ लेकिन हम उसे तीन केसेस में लिखते हैं। तो पहले आप समझना ज़रा, पहले क्या होता है इसको ध्यान देखो, आप थोड़ा ध्यान से देखना इसको भी। अभी देखो आपने सपोज या आप फोर्स लगा रहे हो, डन, और यहाँ पे फ्रिक्शन का ग्राफ बना दिया मैंने, चलो डन। अभी देखो आप जितना फोर्स लगा रहे हो ना, अब देखो आप फोर्स लगाया, फ्रिक्शन भी उतना डेवलप हुआ। अब देखो जब स्टार्टिंग में आप कोई चीज़ को पुल कर रहे हो, मतलब पुश कर रहे होते हो, तो आप स्टार्टिंग में धक्का दोगे तो मूव नहीं करेगा, समझ रहे हो ना, वहीं पे रहेगा, मूव नहीं कर रहा है। मतलब क्या है, आप उसको धक्का तो दे रहे हो, आप उसको पुश तो कर रहे हो लेकिन वो मूव नहीं कर रहा है, समझ रहे हो ना। आपने इसको पहले धक्का लगाया, ये मूव नहीं हुआ, आया बात समझ में। आपने उसको पहले धक्का लगाया आपने धक्का, ये मूव नहीं हुआ, वहीं पर रह गया। फिर आपने धक्का लगाया, मतलब आप फोर्स लगा रहे हो, फिर भी मूव नहीं हुआ। मतलब क्या है, आप जितना फोर्स लगा रहे हो उतना ही क्या डेवलप हो रहा है, फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, समझ रहे हो ना। अब जितना फोर्स लगा रहे हो उतना ही फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, अब जितना फोर्स लगा रहे हो उतना फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है। तो ये जो होता है ना, अब जितना फोर्स लगा रहे हो उतना ही एक ऑपोजिट फ्रिक्शन डेवलप होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शन फोर्स तो लग रहा है लेकिन वो मूव करने नहीं दे रहा है। अब जितना फोर्स लगाओगे स्टार्टिंग में, कोई भी चीज़ को धक्का दो, आप इस बक्से को ही धक्का दो, अब जितना धक्का दोगे वो नहीं मूव कर रहा है ना, मतलब हल्का सा धक्का दोगे तो मूव नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर एक फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, उस फ्रिक्शन का हमने नाम क्या दिया, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुआ। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, आप जितना धक्का दे रहे हो उतना वो अपोज कर रहा है, समझ रहे हो ना, लेकिन मूव नहीं हो रहा है। तो इस फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब आ जाते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है। अब देखो आपने धक्का दिया 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 लेकिन एक देखो आपने क्या किया, एक सर्टेन लिमिट तक धक्का दिया, देखो आपने एक सर्टेन लिमिट तक अप्लाइड फोर्स दिया, ठीक है, धक्का दिया, उसके बाद क्या हुआ है, मूव करने शुरू कर दिया। तो मतलब आप बोल सकते हो मैक्सिमम, क्या बोल सकते हो, जो मैक्सिमम जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना, जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, समझ रहे हो ना, जो मैक्सिमम जहाँ तक वो मूव नहीं करेगा, जितना भी धक्का दो मूव नहीं करेगा, जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, उसी को हम बोल देते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। आया बात समझ में, जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना, जब तक आप उसको धक्का दे रहे हो मूव नहीं कर रहा है, धक्का दे रहे हो मूव नहीं कर रहा है, फिर से धक्का दे रहे हो मूव नहीं कर रहा है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट ऐसा आएगा जब आप धक्का दोगे तो मूव करने लग जाएगा, उतना फोर्स में मूव करने लग जाएगा। तो उसके जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब याद रखना जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, ये मूव नहीं कर रहे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं, मूव यहाँ पे नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जस्ट मूव करने शुरू कर दिया उस पर्टिकुलर फ्रिक्शन वैल्यू, मतलब उस पर्टिकुलर अप्लाइड फोर्स पे। अब याद रखना न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, कि आप जितना फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही आपको फ्रिक्शन मिलेगा। देखो स्टैटिक यहाँ क्या बोलता है, इसके अनुसार आप जितना फोर्स लगा रहे हो, सपोज आपने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है, ये बॉडी यहीं पे 20 न्यूटन का अपने फोर्स लगाया, बॉडी मूव नहीं कर रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्रिक्शन कितना डेवलप हुआ, तो आप बोलोगे हाँ सर फ्रिक्शन भी 20 न्यूटन ही हुआ, न्यूटन का थर्ड लॉ यही कहता है ना, ऑपोजिट रिएक्शन, इसलिए मूव नहीं हो रहा है। फिर आपने 30 न्यूटन फोर्स लगा दिया, 30 न्यूटन आपने धक्का दिया, ये फिर भी मूव नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कितना हो गया, 30 न्यूटन। फिर आपने क्या कर दिया, 31 न्यूटन का फोर्स लगा दिया एक बॉडी पे, अब ये बॉडी मूव करने लग गया। अभी देखो अभी फ्रिक्शन क्या हो गया, मतलब फ्रिक्शन का मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितना था, 30 ही था, 30 तक ही मतलब वो अपोज कर पा रहा था। उसके बाद ये जो 1 न्यूटन एक्स्ट्रा बचा ना, ये 1 न्यूटन जो एक्स्ट्रा है, ये फोर्स इस बॉडी को आगे मूव करवाते रहेगा। आया बात है समझ में। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, एक रिस्टोरिंग फोर्स नहीं, क्या बोलेगा, एक रिलेटिव मोशन होता है जो क्या करता है, बॉडी को मूव करने नहीं देता है। आया बात है समझ में। अब देखो जब बॉडी को मूव नहीं करने देता है तो हम पता कर सकते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ से, अगर बॉडी मूव नहीं कर रहा है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स लगा के, तो आप बोल सकते हो उतना ही क्या डेवलप हो रहा है, फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, डन। उसके बाद आपने एक सर्टेन लिमिट तक फोर्स लगाया, 30 न्यूटन तक लगाया, तब भी मूव नहीं हो रहा है, जैसे ही आपने 31 लगाया तो बॉडी मूव करने लग दिया।
इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम क्या होगा 30 या फिर उससे थोड़ा भी ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सोचेंगे कैसे उसको कि हाँ भाई 30 न्यूटन तक क्या कर रहे हो, मूव नहीं कर रहा है। उसके बाद जैसे मैंने 31 लगाया मूव करने शुरू कर दिया, इसका मतलब क्या है 31 तक क्या है उसका फ्रिक्शन फोर्स है, समझ रहे हो ना, इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू है, इसी को आप क्या बोलोगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, और उसके बाद ये मूव कर रहा है कितना 1 न्यूटन फोर्स के साथ। डन है। अब देखो भाई काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, आप देखो जैसे ही क्या होगा, जैसे ही क्या होगा आपने बॉडी पे फोर्स लगाया, बॉडी मूव नहीं कर रहा है, फिर आपने लगाया एक सर्टेन पॉइंट में बॉडी मूव करने शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही बॉडी मूव करेगी इसके अंदर से हवा पास होने लगेगा ना, इसके अंदर से जैसे ही हवा पास होगा तो सरफेस के साथ इसका कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, सरफेस के साथ इसका कॉन्टैक्ट कम होते रहेगा, और जैसे ही सरफेस के साथ इसका कॉन्टैक्ट कम होते रहेगा और क्या हो जाएगा, मतलब सरफेस के साथ इसका कॉन्टैक्ट कम हो रहा है तो इसके अंदर क्या हो रहा है फ्रिक्शन का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूस फ्रिक्शन का वैल्यू डिक्रीज होगा। डन। तो अब देखना ज़रा, अब इस ऊपर वाले इसमें जाते हैं। अब देखो देखो जितना मैं फोर्स लगा रहा हूँ उतना फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, जितना फोर्स उतना फ्रिक्शन, जितना फोर्स उतना फ्रिक्शन, जितना फोर्स उतना फ्रिक्शन, यहाँ तक चला। तो हमने इसको क्या बोल दिया भाई, ये क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्या है हमने इसको बोला स्टैटिक फ्रिक्शन है, एक ही चीज़, लेकिन एक इसको नाम क्या दिया हमने स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू। उसके बाद वो मूव करने लग गया, हमने बोल दिया इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद जैसे ही मूव करेगा इसके अंदर से क्या पास होगा, हल्का थोड़ा थोड़ा बहुत हवा तो भाई पास होगा ना, हवा पास होगा तो क्या हो जाएगा फ्रिक्शन का वैल्यू कम हो जाएगा। इसलिए देखो मूव हो रहा है, मूव हो रहा है मतलब उसके अंदर क्या है काइनेटिक एनर्जी है, तो इसको हम लोग बोल दिया काइनेटिक फ्रिक्शन है, क्या है काइनेटिक फ्रिक्शन है। और ये वैल्यू हमेशा कम होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर भाई जब ये मूव करेगा थोड़ा बहुत भाई हवा तो पास होगा ना, जब हवा पास होगा तो क्या कर देगा इसको थोड़ा नीचे से थोड़ा सा स्मूथ कर देगा सर्फेस को, कि मतलब भाई ईजिली पास होने देगा। डन। तो ये है कहानी, और ये होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम कौन सा फ्रिक्शन होता है, तो आप बोलोगे हाँ भैया मैक्सिमम होता है अपना क्या बोलते हैं अपना लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है मैक्सिमम, क्या होता है मैक्सिमम अपना लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो जाता है मैक्सिमम हो जाता है। डन। और किसके लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है मैक्सिमम, बराबर ना, इससे 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 मतलब इसके बराबर या फिर इससे छोटा कौन हो सकता है, इसके बराबर या इससे छोटा कौन हो सकता है, कहाँ चले गया भाई, लिमिटिंग फ्रिक्शन हाँ, और लिमिटिंग फ्रिक्शन किससे बड़ा होता है या फिर इसके इक्वल होता है तेरा और तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाता है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन समझ रहे हो ना, स्टैटिक फ्रिक्शन या तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा या फिर उससे कम ही होगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, सबसे कम होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है सबसे कम होता है। अब सुनो भाई स्टैटिक, अब देखो ये फ्रिक्शन डिपेंड किस पे करता है, तो फ्रिक्शन जस्ट दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो सरफेस कैसा है, इसे हम लोग म्यू लिखते हैं, क्या लिखते हैं म्यू कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस म्यू लिखते हैं, ठीक है, कि सरफेस कैसा है, रफ है कि स्मूथ है। डन। और एक डिपेंड करता है, पहला बात फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। डन। फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है लेकिन वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसमें से क्वेश्चन घूम जाते हैं, याद रखना फ्रिक्शन क्या है एक कॉन्टैक्ट फोर्स है लेकिन ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। और उसके बाद जो आता है कि फ्रिक्शन भाई फिर किस पे डिपेंड करता है, फ्रिक्शन डिपेंड करता है, आप बोल सकते हो फ्रिक्शन डिपेंड करता है वेट पे, वेट या फिर उसके नॉर्मल रिएक्शन पे, समझ रहे हो, न्यूटन का लॉ कहता है ना जितना वो नीचे वेट लगाएगा उतना ही ऊपर भी लगेगा, तो याद रखना फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, फिर से बोल रहा हूँ फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स है बट फिर भी एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। और जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड किस पे करता है, वेट पे या फिर नॉर्मल रिएक्शन पे, बेटर रहेगा स्टैंडर्ड बुक में नॉर्मल रिएक्शन बोला गया। देखो नॉर्मल रिएक्शन में जो वेट होता है वो इक्वल होता है, आपको तो पता है ना चीज़, डन ना, लेकिन अगर इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन मतलब अगर ऐसा प्लेन रहा, अगर ऐसा रहा तब इक्वल नहीं होता है बस। डन। तो आप कह सकते हो इसके वेट पे, वेट का जो नॉर्मल जो आता है ना, जो मतलब 90 डिग्री वाला, उस पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन कितना होगा। अब देखो मैंने बताया न्यूटन के थर्ड लॉ से जितना वो वेट लगाएगा उतना ही क्या रहेगा उसका, जितना वो वेट लगाएगा उतना ही उसका नॉर्मल रिएक्शन रहेगा। तो कहीं ना कहीं हम इस नॉर्मल रिएक्शन को क्या लिख सकते हैं, बताओ एक बार आप, कहीं ना कहीं हम इस नॉर्मल रिएक्शन को लिख सकते हैं क्या, ये mg के बराबर रहेगा। तो अगर आपको बताना है कि फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, भाई फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता, एक किस पे डिपेंड करता है आपके नॉर्मल पे, तो यहाँ पे नॉर्मल को मैं क्या लिख सकता हूँ, जो mg के बराबर होता होगा इस केस में, और दूसरे केस में साइन थीटा वगैरह आ जाएगा। डन है। अब देखो अगर मैं यहाँ से भी हटाऊंगा इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, तो क्या होगा, सरफेस पे भी डिपेंड करता है ना, मतलब सरफेस क्या होना चाहिए, सरफेस आपका डिपेंड करता है, अब जिस सरफेस पे करोगे अलग अलग वैल्यू आएगा, सरफेस को हम किससे लिखते हैं, म्यू से लिखते हैं, तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला बन जाता है म्यू एम जी, आया बात समझ में। और यहाँ पे एम जी क्या होता है, आपका नॉर्मल फोर्स होता है। डन। अब आगे देखते हैं। अब देखो अभी बोला है कि आपका अप्लाइड फोर्स क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा है। डन है। तो कहने का मतलब कुछ ऐसा है, सो ये आपका बॉडी है। डन। आपने यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स किया है ना वो क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा है। काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब क्या है, वही अपोजिंग फ्रिक्शन का वैल्यू,
इससे ज़्यादा है, डन। तो उसके बाद आपने अगर 10 न्यूटन फोर्स लगाया, अगर इसका काइनेटिक फ्रिक्शन सपोज 6 न्यूटन रहा होगा, तो कितने फोर्स के साथ बॉडी मूव करेगा? पहले आपने जो 10 न्यूटन लगाया, ये 10 न्यूटन क्या है, 6 न्यूटन को ओवरकम करने में निकल जाएगा। 6 न्यूटन को ओवरकम करने के बाद कितना न्यूटन बचेगा? 4 न्यूटन। तो बॉडी किसके साथ मूव होगा? इस 4 न्यूटन के साथ मूव होगा। अगर मैं इसी को लिखूं तो कैसे लिखूंगा? मैंने कितना लगाया, मैंने मास इंटू एक्सेलरेशन, मैंने इस फोर्स को लगाया, फोर्स अप्लाइड, मास इंटू एक्सेलरेशन, उसमें से क्या काइनेटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करने में निकल गया कुछ, और उसके बाद जो बचा वो क्या हो गया, उसके बाद जो बचा तब वो बॉडी उस मास और उस एक्सीलरेशन के साथ मूव हुआ। आया बात है समझ में? डन, मास इंटू एक्सीलरेशन। आप उसके बाद अगर आप इसको थोड़ा तोड़ के लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, एम ए तो लिख दिया, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू भी सेम, बस यहाँ पे म्यू के लिखना होता है, म्यू के एम जी, आया बात समझ में, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। डन, अगर आप एम एम को काट लोगे यहाँ से तो आपके पास कितना मिलेगा, जो एक्सीलरेशन के साथ जो बॉडी मूव करेगा आपको कितना एक्सीलरेशन मिल जाएगा, आपको मिलेगा अप्लाइड एक्सीलरेशन माइनस कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और जी। डन, ए मिल जाएगा इस एक्सीलरेशन के साथ आपको बॉडी मूव करने वाला है। डन, अब आगे देखते हैं। अब देखो जब अप्लाइड फोर्स क्या बोलते हैं, आपने जो फोर्स लगाया, अब देखो आपने जो फोर्स लगाया, डन, आपने जो फोर्स लगाया, सपोज आपने 20 न्यूटन लगाया, और वही क्या है, 20 न्यूटन ही आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन भी कितना है 20 न्यूटन ही है। इस केस में क्या होगा, ये जो 20 न्यूटन आपने जो लगाया वो 20 न्यूटन किस में यूज़ हो जाएगा, इसको ओवरकम करने में। आया बात समझ में? अभी देखो अगर मैं इसको लिखूं तो मैंने अप्लाइड फोर्स मतलब मैंने मास और एक्सीलरेशन, मैंने ए लगाया, आया बात समझ में, ये किसके बराबर है तुम्हारा, काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के बराबर है। तो मास इंटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू म्यू के, मतलब क्या हो जाएगा, म्यू क्या बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के एम जी, यहाँ से मास कटा, तो एक्सीलरेशन कितना आएगा यहाँ पे, म्यू के और जी। अभी अगर आप देखो म्यू के क्या है, कोफिशियंट जो सरफेस पे डिपेंड करता है, एक कांस्टेंट वैल्यू और एक जी कांस्टेंट वैल्यू, तो यहाँ पे आपका एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे म्यू के भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, तो आपका एक्सीलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आया बात समझ में, कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा होगा। अब लास्ट केस देखते हैं कि जब आपने फोर्स जीरो लगाया, मतलब आपने क्या लगाया, फोर्स जीरो लगा दिया, तो आपका जो अभी आप इसमें फोर्स लगा ही नहीं रहे हो तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना डेवलप होगा, तो ऑब्वियसली आप इसमें फोर्स लगा ही नहीं रहे हो तो अप्लाइड फोर्स कितना है, जीरो है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी कितना रहेगा, जीरो रहेगा। इसका मतलब है, इसी से हम बोल रहे थे, जब हम फोर्स लगाते तभी बॉडी में फ्रिक्शन डेवलप होता है। यहाँ तक आया बात समझ में? अगर बढ़िया से आ गया तो आप इस चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।